हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं यजदान और आज हम पढ़ेंगे जावास्क्रिप्ट के मैथ फंक्शंस के बारे में। और इस ये जो मैथ फंक्शन है, इससे बेसिकली हम काफ़ी ज़्यादा जो नंबर्स हैं, किसी भी नंबर के ऊपर हम डिफरेंट तरह की कैलकुलेशंस को अप्लाई कर सकते हैं। तो आज हम देखेंगे कि हम वो किस तरह से कर सकते हैं और ये सारे फंक्शंस हैं जिसको हम यूज़ इनका देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल है मैथ डॉट पी आई, इसके बाद मैथ डॉट राउंड, मैथ डॉट पो, मैथ डॉट स्क्वायर रूट, उसके बाद ये सारे जितने भी फंक्शन हैं ये वाले हम आज इनको वन बाय वन इसको हम रन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे आता हूँ सबलाइम एडिटर में और यहाँ पे मैं आके एचटीएमएल का जो सिंपल सिंटैक्स है वो लिख के इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। टाइटल हम कुछ भी जेएस मैथ फंक्शंस, क्योंकि टॉपिक के रिकॉर्डिंग ही हमने इसको टाइटल दे दिया। यहाँ पे हम स्क्रिप्ट का टैग ओपन करेंगे और इसके अंदर सबसे पहले हम जो फंक्शंस हैं, यहाँ पर मैं एक कमेंट भी दे देता हूँ, जावा स्क्रिप्ट मैथ फंक्शन, इसको हम डेस्कटॉप के ऊपर सेव कर लेते हैं जे एस मैथ फंक्शन के नाम से डॉट एच टी एम एल, इसकी एक्सटेंशन दे दी। यहाँ पे जब हम इसको सेव कर लेंगे तो यहाँ पे एक फाइल क्रिएट हो चुकी है। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ ब्राउज़र के अंदर भी, ये हमारे सामने ये भी ओपन होगी। अब इसके अंदर हमने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने मैथ फंक्शन ये यहाँ पे मैंने लिख ली है, जितने भी हैं इन सबको बारी बारी वहाँ पे लिखना है और देखना है कि हम इनका किस क्या यूज़ कर सकते हैं और इनका क्या यूज़ है बेसिकली। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो फंक्शन है वो क्या है, मैथ डॉट पाई। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मैथ डॉट पाई। इस मैथ डॉट पाई जो है बेसिकली मैथ के अंदर जो पाई की वैल्यू होती है उसको फाइंड करने के लिए यूज़ किया जाता है। मैथ डॉट पी आई मैं यहाँ पर लिखूँगा और इसको मैं इको मैं सॉरी पी एच पी का मैंने लिख दिया टैग। यहाँ पर मैं इसको डॉक्यूमेंट डॉट राइट अगर करवाऊँगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट मैथ डॉट पी आई, कंट्रोल एस करूँगा तो यहाँ पे क्या शो होगा, पाई की वैल्यू 3.14। तो ये था पाई की वैल्यू फाइंड करने का एक सिंपल सा फंक्शन मैथ डॉट पी आई। इसके बाद जो नेक्स्ट फंक्शन है वो क्या है, मैथ डॉट राउंड। अब मैथ डॉट राउंड में क्या होता है, अब हम उसको देख लेते हैं। यहाँ पे मैं एक्स को करवा लेता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट एक वेरिएबल को, और यहाँ पे हमें एक्स के नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं, सारा कुछ हम उसके अंदर ही करेंगे। मैथ डॉट राउंड का नेम हमने यहाँ पे लिख लिया, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ जूम। मैथ डॉट राउंड का हमने यहाँ पे लिखा और नेक्स्ट हम यहाँ पे लिख देंगे, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कर लेता हूँ 2.4 कंट्रोलर्स। यहाँ पे आके मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो क्या शो हो रहा है, 2, मतलब कि उसने जो पॉइंट्स के आगे वाली वैल्यू है उसको ओमिट कर दिया। यहाँ पे अगर मैं लिख लूँगा 2.5 हो गया, रिफ्रेश करूँगा अब ये क्या आ गया, 3, मतलब इसका ये है कि अगर पॉइंट के आगे जो वैल्यू है वो 5 होगी या 5 से ऊपर होगी तो वो पीछे 2 था तो उसने उसके अंदर एक और ऐड कर दिया, 3 कर दिया, और अगर ये 5 से छोटी हो मतलब कि 4 हो या 3, 2 इस तरह हो तो वो फिर क्या करेगा, पॉइंट वाली जो वैल्यू है उसको मिट कर देगा, पॉइंट के आगे वाली वैल्यू को, और पीछे वाली जो वैल्यू है 2 उसको वहाँ पर लिख देगा एज इट इज़। तो ये था मैथ डॉट राउंड फंक्शन का यूज़। इसी तरह आप कुछ और फंक्शंस भी हैं वो हम देख लेते हैं। अगला फंक्शन अब इसका कौन सा आ रहा है, यहाँ पे लिखा है मैथ डॉट पी ओ डब्ल्यू, तो इससे क्या होगा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ मैथ डॉट पी ओ डब्ल्यू। इसके अंदर, इस फंक्शन के अंदर बेसिकली हम 2 पैरामीटर्स पास करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कर लेता हूँ यहाँ पर 2 और आगे मैं कर लेता हूँ 3। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ ये जो 2 है इसकी पावर 3 करके हमें आंसर जो है वो शो करवा दो। यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करूँगा तो क्या शो होगा, 2 की पावर 8। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल इसका मतलब ये है 2 की पावर 2 रेज पावर 3, मतलब के 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और ये इक्वल टू किसके होता है, 8 के। तो वही वो वैल्यू वहाँ पे 8 जो है वो शो करवा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या शो करवा रहा है, 8। तो मैं ये वाली चीज़ मैं यहाँ से बैक कर लूँगा। तो ये था बेसिकली मैथ डॉट पो जो फंक्शन है उसका इस्तेमाल, क्या मतलब कि हमने 2 की पावर यहाँ पे 3 कर दिया। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 4 कर दूँगा और यहाँ पे 8 कर दूँगा, तो इसका मतलब क्या होगा कि 4 को 8 दफ़ा उसको मल्टीप्लाई कर दो, उसकी जो पावर है वो 8 कर दो। तो ये था मैथ डॉट पो का यूज़। अब हम नेक्स्ट फंक्शन देख लेते हैं वो कौन सा हमारे लिखा हुआ है।
तो नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है मैथ्स डॉट एस क्यू आर टी। इसको मैं यहाँ पे लिखूँगा मैथ्स डॉट एस क्यू आर टी, और इसके अंदर मैं फॉर एग्जाम्पल लिख लेता हूँ 64। ये मैंने लिखा, यहाँ पे आगे मैंने रिफ्रेश किया, क्या आ रहा है 8, मतलब कि जो उसने 64 था उसका उसने स्केयर रूट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे अगर 4 लिखूँगा तो इसका क्या आना चाहिए, स्केयर रूट रिफ्रेश 2, मतलब कि वो उसका स्केयर रूट करके वो हमें यहाँ पे शो करवा देगा। तो इसको हम जहाँ पे भी हमें कहीं ज़रूरत पड़े कि हम वेबसाइट के अंदर स्केयर रूट को हमने शो करवाना हो, वहाँ पे हम इस फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट फंक्शन हम देख लेते हैं, वो क्या है, ए बी एस, मैथ डॉट ए बी एस, मतलब कि एब्सोल्यूट। यहाँ पे मैं एब्सोल्यूट लिख के फॉर एग्जाम्पल मैं कोई भी वैल्यू पास करता हूँ, 3.4, कंट्रोल एस। यहाँ पे क्या शो करवा रहा है, 3.4। तो ये वाला जो बेसिकली फंक्शन है मैथ्स डॉट ए बी एस, इसका फिर फ़ायदा क्या हुआ, हमने वहाँ पे लिखा 3.4 और उसने 3.44 ही शो करवा दिया। ये जो बेसिकली यूज़ किया जाता है मैथ्स डॉट ए बी एस, इसलिए यूज़ किया जाता है कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं माइनस लिख देता हूँ, -3.4, तो फिर भी ये प्लस में ही शो करवाएगा, ये यहाँ पे प्लस में ही शो करवाएगा। यहाँ पे मैं अगर -2 लिख लूँ, लाजमी नहीं कि पॉइंट्स वाली वैल्यूज ही हों, फिर भी ये क्या करवा रहा है, +2 शो करवा रहा है। ये वाला फंक्शन हम उस वक्त यूज़ कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल समझ लें हम किसी वेबसाइट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, किसी समझ लें कि वैलिड होगा, और उसके अंदर यूज़र जो हैं, हर यूज़र का कोई ना कोई मतलब कि उसके जो अकाउंट के अंदर उसके कुछ पैसे आएंगे, तो पैसे जो हैं वो बेसिकली माइनस में तो कभी नहीं हो सकते अमाउंट, तो उस अमाउंट को हम इसलिए कि वो अगर माइनस में भी हो तो उसको प्लस में शो करवा दिया जाए, उसके लिए हम यहाँ पे एब्सोल्यूट मैथ्स डॉट ए बी एस का यूज़ करेंगे। तो ये यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं रेज, और नेक्स्ट फंक्शन अपना देखते हैं वो क्या है, ये है मैथ्स डॉट सीन। जैसे कि अभी हमने मैथ्स डॉट राउंड फंक्शन पढ़ा, उसको हम सबसे पहले देख लेते हैं, मैथ्स डॉट राउंड 2.4 हम यहाँ पे लिख रहे थे। इसमें क्या होता था कि फॉर एग्जांपल अगर 5 से छोटी है वैल्यू तो पॉइंट के पीछे वाला एज इट इज़ शो करवा देगा, और अगर 5 है या 5 से ऊपर है तो फिर ये +1 शो करवाएगा वैल्यू को, 3 शो करवा देगा। तो मैथ डॉट राउंड तो ये करता था, लेकिन अब सील में कुछ फ़र्क है। मैथ डॉट सील जो है इसमें फॉर एग्जांपल मैं अगर 2.5 लिखूँगा तो ये क्या करेगा, 3 शो करवाएगा। अगर मैं यहाँ पे 2.4 भी लिखूँगा फिर भी 3 शो करवाएगा, ये अगर मैं 2.1 भी लिखूँगा तो फिर भी 3 ही शो करवाएगा, मतलब कि जो ऊपर वाली वैल्यू होगी इसमें +1 कर देगा अगर पॉइंट में कुछ भी हो 0 के अलावा। तो ये हो गया मैथ डॉट सील। नेक्स्ट हम फंक्शन देख लेते हैं, वो क्या है, मैथ डॉट फ्लोर। मैथ डॉट फ्लोर के अंदर क्या होता है, फ्लोर, यहाँ पे अगर मैंने 2.0 लिखा है तो यहाँ पे तो वो वैसे ही 2 ही आएगा, लेकिन अगर मैं 2 से ऊपर लिखूँगा, 1 लिखूँगा, तो उसके अंदर क्या हो रहा था, 3 शो कर रहा था, इसके अंदर ये 2 ही शो करेगा। अगर मैं यहाँ पे 5 लिख दूंगा फिर भी 2 ही शो करेगा, मतलब कि ये जो फ्लोर है ये नीचे वाली वैल्यू शो करेगा, और वो जो फंक्शन होगा हमारा दूसरा सील वो ऊपर वाली वैल्यू शो करेगा। तो इसके बाद हम देख लेते हैं आगे क्या है, मैथ डॉट मेन। ये मेन और मैक्स जो फंक्शन है ये बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, और बहुत ईजी है ये वाले, तो हम ये भी देख लेते हैं, मैथ डॉट मेन। ये किसी भी, जैसा कि नेम से जाहिर है कि भाई मिनिमम वैल्यू, हम इसे कोई वैल्यूज़ देंगे उसमें से मिनिमम वैल्यू को फाउंड करके हमें शो करवा देगा। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 2 लिखने देता हूँ, 4, 6, 7, 8, 9, ये मैंने कुछ इसको वैल्यूज़ दे दी, इसके अंदर सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है, 2, तो ये अब क्या करेगा, यहाँ पर हमें शो करवा देगा, प्रिंट 2 कर देगा। अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल कर लेता हूँ 1 लिख लेता हूँ साथ, अब मिनिमम वैल्यू कौन सी हो गई, 1, तो अब यहाँ पे 1 शो करवा देगा। इसी तरह अब एक और फंक्शन है मैथ डॉट मैक्स, वो बेसिकली क्या करेगा, जिस तरह ये मिनिमम वैल्यू को शो करवा रहा था वो उसी तरह मैक्सिमम वैल्यू को ला के सामने रख देगा। ये जैसे आ रहा है 9, तो यहाँ पे सबसे मैक्सिमम वैल्यू आप देख सकते हैं कौन सी है, 9। हमारे ये वाला भी फंक्शन हो गया, मैक्स वाला भी। इसके बाद आता है रैंडम। रैंडम जो है बेसिकली कोई भी रैंडम सा नंबर हमें जनरेट करके दे देता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मैथ डॉट रैंडम, कंट्रोल एस। इसको जब भी मैं रिफ्रेश करूँगा तो आप देख सकते हैं हर दफ़ा में एक रैंडम नंबर आ रहा है, कोई भी स्ट्रिंग नंबर नहीं आ रहा है, स्टैटिक।
एक ही नंबर नहीं आ रहा, जितने उनकी मर्ज़ी है वो जौन सा मर्ज़ी नंबर दे रहे हैं। इसके अंदर हम अगर कोई पैरामीटर भी पास कर रहे हैं तो उसका भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि ये रैंडम फंक्शन है और ये रैंडम ही नंबर लेके आएगा, जितने मर्ज़ी इसमें नंबर पास कर लें इसके अंदर कोई असर नहीं आएगा, क्योंकि ये रैंडम है और रैंडम नंबर को जनरेट करता रहेगा। सिंपल इसकी ये ब्रेसिस हमने वो यहाँ पे हमने मैथ डॉट रैंडम लिख के इसके आगे हमने ब्रैकेट्स डालनी है और इसको ओपन करना है और क्लोज़ करना है, और इसके बाद बस ये अपने आप ही रैंडम नंबर कोई भी शो करवाने लग पड़ेगा। तो ये थे आज मैथ मैथ फंक्शंस जावास्क्रिप्ट में। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जावास्क्रिप्ट के और भी।